नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अब जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि हर एक दो दिन पे कोई ना कोई नया शगुफा आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ऑफिस की दीवार पर एक पोस्टर लगा पाया गया। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ लिखा हुआ था, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू कई मोदी सरकार। इस पोस्टर ने राजधानी गलियारों में काफ़ी हलचल पैदा कर दी है। सब और इसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि इसके पीछे क्या वजह है और क्या इसके रेपरकेशंस क्या हो सकते हैं, और इसके इसका विश्लेषण भी किया जा रहा है कि इसके मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं कि दो तीन दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। जो कोशिशें वो कर रहे हैं, शायद से उसमें ये एक प्लस पॉइंट है। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव का हालचाल लिया था, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनको वो देखने गए थे। वहीं पर उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी होती है और भविष्य की चुनावी राजनीति पर वह स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहते हुए दिखाई दिए। हर चीज़ से वो बचे, हर बयान से वो बचे। हालांकि उन्होंने ये जरूर संकेत दिया कि यूपी राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा राज्य है और अखिलेश वहाँ नेतृत्व करेंगे, यानी कि वो तो बिहार में लीडरशिप कर ही रहे हैं और यूपी में अखिलेश लीड करेंगे यूपी को, ये उन्होंने संकेत दिया। वहीं अखिलेश यादव भी 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी प्रत्याशी पर दाव खेलने की जो उनका दाव है उसको खोलने से बचते हुए दिखे। इन सब के बीच यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार, इस पोस्टर ने काफ़ी बेचैनी ला दी है जो राजनीतिक हलके हैं उनमें। इस बार करीब 1.5 साल के बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री के प्रोफाइल के मजबूत दावेदार के तौर पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन का जो प्लेटफॉर्म है उसमें कहिए कि एक सुखबुगाहट से शुरू हो गई है। एक तरफ यहाँ देश की राजधानी में सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी के लीडरशिप में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन में भी कवाय शुरू हो गई है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि बीते करीब एक महीने से जिस राजनेता का बार बार नाम सामने आ रहा है, जो ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है, हर पार्टी के नेता से मिल रहा है, वो नाम है नीतीश कुमार का। बिहार में बीजेपी के साथ छोड़ करके लालू की पार्टी यानी कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिल करके फिर से सत्ता की कुर्सी पे काबिज हो गए हैं। नीतीश कुमार और नए फ्रंट का गठन करते हुए बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली के दौरे पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, एनसीपी चीफ शरद यादव, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात की। नीतीश के इस दौरे और मुलाकात के सिलसिले के कयासों के बारे में लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पूरा कहिए कि कयासों का एक बाजार सा जो है गुजरता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और अब इसी बीच ये पोस्टर आ गया है सामने, राजधानी में समाजवादी पार्टी की दफ्तर की जो दीवार है उस पर ये पोस्टर लगा हुआ था। इसने एक और सियासी चर्चा शुरू कर दी है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि यूपी और बिहार मिल जाएं
तो वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। बट सोचने की बात ये है कि इज इट पॉसिबल, अखिलेश खुद मुख्यमंत्री बन प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री के प्रोफाइल में देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब बातें इग्नोर करके एक सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि क्या 2024 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ नीतीश और अखिलेश की मोर्चाबंदी हो गई है? नीतीश ने जिस तरह बिहार में एनडीए से गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, उससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों थोड़ा सा रुक के मैं ये बताना चाहूँगी कि बिहार में नीतीश ने ये किया है, लेकिन क्या वो केंद्र में भी ऐसा कर सकते हैं? ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। लखनऊ में पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह की तरफ से लगवाया गया, ये भी पता चल गया है। हालांकि नीतीश और अखिलेश दोनों ही अभी पीएम पद और दूसरे एक दूसरे की उम्मीदवारी पर खुल करके कुछ नहीं कह रहे हैं। और नीतीश इस हफ्ते मंगलवार को दिल्ली दौरे के दौरान गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। इसे ये समझना चाहिए, मतलब नीतीश भी अखिलेश यादव के विपक्ष में विपक्ष का संभावित पीएम पद का उम्मीदवार नहीं देखते, या कम से कम अभी खुले तौर पे वो इसे मान नहीं रहे हैं। अब पोस्टर ने काफी चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इन सभी हलचल के बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की दीवार पर ये जो पोस्टर है अभी तक बहुत सारी चर्चा बटोर चुका है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये जो लिखा हुआ है जमा और इज इक्वल टू, काफी सारे सवाल उठा रहा है कि क्या 2024 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ नीतीश और अखिलेश की मोर्चाबंदी हो गई है? नीतीश जिस तरह से बिहार में एनडीए से गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाई उन्होंने, उससे उन्होंने एक अपने आप को एक अलग प्रोफाइल में लोगों को दिखाने की कोशिश की है। लखनऊ में पोस्टर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह की तरफ से लगाया गया और इसके ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव भी महज इतना ही कह करके रुक गए कि नीतीश जी ने बिहार में लंबे समय से काम किया है और एक मतलब एक पार्टी एक समूह का काम किया है, साइकिलें बांटी हैं, अपने संसाधन के दम पर बिहार को आगे लेके जाने का काम किया है। लगे हाथ अखिलेश ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की तरफ भी इशारा किया, उनकी तारीफ की। हालांकि विपक्ष का मुखिया कौन होगा इस पर अभी भी अखिलेश ने कोई नाम नहीं दिया है, बल्कि यही कहा कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चेहरा है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ मोदी का चेहरा है जिसे वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे चेहरे हैं। तो उनकी बात से ही स्पष्ट हो रही है कि उनके पास बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन पीएम प्रोफाइल तो एक ही के पास जाएगा ना, विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा इस पर अखिलेश ने किसी एक चेहरे का नाम न ले करके उन्होंने एक बहुत ही स्टाइलिश सी बात कही कि हमारे पास कई मोती हैं, उनको एक साथ पिरोने वाला धागा चाहिए। और ये भी देखने की बात है कि पिछले कुछ ही दिनों से अखिलेश यादव केंद्रीय राजनीति की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। बीते कई समय से केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए वो दिखाई देते हैं मंचों पर। जब भी उनको मौका मिलता है, माइक उनके हाथ में होता है, तो वो चुकते नहीं हैं केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करना। इसका एक कारण है यूपी में अगला विधानसभा चुनाव 5 साल बाद होना है और लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद से ही ऐसे उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में
अखिलेश सपा को 5 सीटों पर जीत के आंकड़े से आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए थे। ऐसे में अखिलेश के सामने प्रदेश में सपा को फिर से मजबूत बनाने के साथ साथ केंद्र की राजनीति में दखल बढ़ाने की एक कोशिश मात्र है। अब ऐसे में सवाल ये है कि समीकरण क्या बैठते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार की 40 लोकसभा सीटों के मुकाबले दोगुनी, यानी कि मतलब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो बिहार की केवल 40 सीटें हैं। अखिलेश यादव की तैयारी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। नीतीश कुमार अगर गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं तो 15 या 16 सीटों से अधिक लोकसभा चुनाव 2024 में जेडीयू के पाले में नहीं आएगा, यानी कि वो इतनी ही सीटों पे जीत पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के को ही अगर एक फार्मूला माने तो जेडीयू की 16 सीटों पर जीत को तय मान के चले तो भी विपक्ष के बहुमत के 274 के आंकड़े के पार करने के बाद नीतीश कुमार की 16 सीटों के दम पर उनकी पीएम पद पर उम्मीदवार की संभावना काफी कम है। अच्छा, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं, इस स्थिति में उनके सामने कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा, कोई चेहरा खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत दूसरी पार्टी की बढ़ेगी। अब अखिलेश के सामने, उनके समर्थकों के सामने चुनौती है कि विपक्षी एकता को बरकरार रखते हुए दावेदारी को मजबूती से कैसे पेश किया जाए। पीएम मोदी के खुद वाराणसी से चुनाव लड़ने का सीधा फायदा 2014 और 2019 में भाजपा को मिला, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद स्थापित वोट बैंक यादव और मुस्लिम में भी टूट देखने को मिली। अगर अखिलेश विपक्ष का तीसरा मोर्चा के पीएम उम्मीदवार घोषित होते हैं तो इस वोट बैंक को एकजुट करना संभव होगा, लेकिन तीसरा मोर्चा फिर उस पर सवाल आता है। साथ ही भाजपा से नाराज वोट बैंक को भी सपा अपने पाले में लाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन ये सब एक कयासबाजी है, एक समीकरण बिठाने की बात है। सवाल 2024 के चुनाव में 273 सीटें जो हैं उन पे जीत की है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। ये एक जो आज नया शगुफा देखने को मिला है लखनऊ में, एक पोस्टर देखने को मिला है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार, इसने एक नई चर्चा छेड़ दी है। सब तरफ इसकी चर्चा हो रही है और अपने अपने तरीके से इसके हिसाब से समीकरण भी बिठाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक और बात, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।